के जितने भी कैरेक्टर्स है उनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी देखी और जिसकी वजह से आप यदि उस वीडियो को देख कर इस वीडियो को देखोगे तो आपको चैप्टर ईजीली समझ में आएंगे तो प्लीज पहले वो देखें उसके बाद इसको स्टार्ट कर दें ओके okay. सो so, सबसे पहले हम देखेंगे कि चैप्टर uh, वन की समरी आज हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करते हैं और सीखते हैं समझते हैं क्या है चैप्टर वन में देखो इस नॉवल को पढ़ने के लिए आपको कैरेक्टर्स को समझना जरूरी होगा इसके बैकग्राउंड को समझना जरूरी होगा जैसे कि मैंने बताया था कि थॉमस हार्डी जो है वो अपने अः uh, अपने नॉवल्स में अपनी राइटिंग की सेटिंग में वेसेक्स को लेते हैं ओके okay. तो यहाँ पर uh, आप देखेंगे कि देर इज अ कपल ओके okay. ये टाइम पीरियड कौन सा है नाइनटीन सेंचुरी और वो भी क्या फर्स्ट हाफ नाइनटीन सेंचुरी मीन्स फर्स्ट हाफ का मतलब क्या हुआ एटीन uh, फिफ्टी के समवेयर अराउंड तो आप जाके चेक करो कि ये नॉवल कब लिखा गया था पहला होमवर्क आपके लिए ये है तो उस टाइम पीरियड की बात है ये फर्स्ट हाफ ऑफ द नाइनटीन सेंचुरी एक यंग हे ट्रसर हे ट्रसर कौन होता है घास खोदने वाला जो होता है उसको हम हे ट्रसर बोलते हैं जिसका नाम था माइकल हैनचर्ड जो यहाँ पर पिक्चर में दिखा हुआ है ये है माइकल हैनचर्ड वो अपनी वाइफ सुजैन ये उसकी वाइफ है सुजैन उसके साथ और साथ में उनका एक छोटा सा बेबी बेबी डॉटर जिसका नाम है एलिजाबेथ जैन उन त, उन दोनों के साथ ये माइकल हैनचर्ड जो है वो चुपचाप दे देवर वॉकिंग ठीक है एक रोड के ऊपर के एक रोड के साइड साइड में आप कह सकते हो एक पगडंडी काइंड ऑफ या रास्ते से वो गांव का जो कच्चा रास्ता होता है या जो कह सकते कंट्री साइड रीजन जो होता है उस इंग्लिश कंट्री साइड रीजन है ये ठीक है तो वहां से वो एक बड़े विलेज की तरफ उस विलेज का नाम था वेडन प्रायर्स उस वेडन प्रायस की तरफ जा रहे थे क्यों जा रहे थे वर गोइंग फॉर अ न्यू जॉब क्यों क्योंकि हे ट्रेसर का जो उसका काम था वो अभी इस टाइम पीरियड के लिए उसके पास जॉब नहीं थी तो वो कोई और जॉब या फिर हे ट्रेसर कोई भी जॉब उसको मिल जाए वो ढूंढने के लिए वो पास ही के एक बड़े गांव में जा रहा था अब जब हम इस फर्स्ट चैप्टर को डिटेल स्टडी करते हैं यानी कि जो जो इसका एक्चुअल टेक्स्ट है उसको पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि ये जो कपल है इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो एज अ कपल या हम देखें कि इन दोनों को देख के लगता नहीं है कि ये हस्बैंड वाइफ है क्यों क्योंकि ये एक तो बिना बात किए चुपचाप चलते जा रहे हैं ठीक है हस्बैंड है जो वाइफ से थोड़ा सा दो कदम आगे चल रहा है वो अपनी एक बुक में जिसको वो पढ़ रहा है उसमें खोया हुआ है वाइफ जो है सीधा सामने देख के चुपचाप चलते जा रही है और उसके हाथ में जो बेबी है बीच बीच में जो इन दोनों के बीच में कुछ भी आवाज आती है तो वो सिर्फ इतनी आती है कि ये बेबी रोती है तो वो उसको चुप करवाती है कभी कभी वो हल्का फुल्का उससे बात करती है ओके इसके अलावा वहां रास्ते पर कोई भी नहीं है पूरा सुनसान है और सिर्फ चिड़िया और जानवरों सॉरी पक्षियों की आवाज आ रही है और तो इस तरह का बैकग्राउंड फर्स्ट चैप्टर में बताया गया है कि एक तरह से काइंड ऑफ जंगल समझ लो आप या फिर कोई भी गांव का एरिया समझ लो कि आप एक डिस्टेंट गांव पर जा रहे हो पैदल चल के तो वैसा ही पीछे से पिक्चराइजेशन हो रहा है तो बहुत लंबे तक ये चलते गए उसके बाद जाके वो पहुंचते हैं वेडन प्रायर्स में ठीक है रास्ते में उनको जब वो वेडन प्रायर्स पहुंचने ही वाले होते हैं वहां पर एक टर्निंग होवर मिलता है उनको ठीक है तो टर्निप होवर जो होता है वो हैंचर्ड उससे पूछता है कि क्या यहाँ पर कोई काम है कहाँ पर वेडन प्रायर्स में क्योंकि वो वेडन प्रायर्स की तरफ से ही आ रहा होता है और या फिर काम नहीं है तो रहने की कोई जगह हो तो बताओ क्योंकि दिस टर्निप ओवर वॉज दर्स्ट पर्सन वो पहला इंसान था जिससे गांव में एंट्री करते ही ये लोग मिले और ये यहाँ पर एक्चुअली काम के लिए और रहने के लिए आए थे तो सबसे पहला उनका काम था कि वो किसी से पूछे कि यहाँ कोई मेरे लिए कोई काम है क्या ये टर्निंग फोअर को एक नेगेटिव आदमी बताया जाता है जो कहता है तुम्हारे लिए यहाँ तो पहले जो लोग रह रहे हैं उनके लिए भी बहुत कुछ मतलब काम नहीं है काफी लोग छोड़ के जा चुके हैं मतलब उसको एक तरह से एक नेगेटिव पर्सन था जो कि अः कोई भी पॉजिटिव बात इसको नहीं बताता ठीक है इसके बाद ये आगे चले जाते हैं और हाँ तो ये पैसिमिस्टिक लेब, लेबर जो है वो कौन है ये टर्निप है और टर्निप होवर के हाथ में ये एक जिसको बोलते हैं जो भी टूल वो यूज करते हैं वो दिखा रहा है जिससे पता चलता है कि ये टर्निप होवर है

चले जाते हैं तो जब फर्मिटी टेंट में जाते हैं तो उससे पहले ये जो माइकल हैंचर है ये देखता रहता है चारों तरफ की खाने की जगह क्या है बेसिकली ढूंढ रहे होते हैं तो आप एक मेले का पिक्चर अपने दिमाग में ला सकते हैं जब आप मेले में घूमने जाए तो अलग अलग तरह की खाने की और खिलौने और अजीब अजीब से सामान सब की दुकाने छोटी छोटी लगी रहती है स्टॉल्स तो वैसे ही दो टेंट लगे हुए थे एक टेंट पे लिखा हुआ था एल्कोहल ठीक है और दूसरी पे लिखा हुआ था फर्मिटी तो जब हैंचर ढूंढता है कि मैं अल्कोहल वाली में जाऊं या यहाँ पर वो खड़े होके देखते हैं तो हैंचर एक तरफ को एल्कोहल वाली शॉप की तरफ मूव करना करने लगता है लेकिन सुजैन उसको रोक लेती है और कहती है फॉर्मिटी वाली शॉप पे चलते हैं क्योंकि इससे, क्योंकि हम एक बहुत लंबी जर्नी से आए हैं तो फर्मिटी खाएंगे तो उससे हमें अच्छा फील होगा हमारी थकान भी मिट जाएगी। क्या होती है यदि हमारी हिंदी लैंग्वेज में बोले या अपनी जनरल आ, देशी भाषा में समझे तो दलिया जो होता है या ओट्स जो होते हैं वो काइंड kind ऑफ of फर्मिटी होते हैं ठीक है तो यहाँ पर वो फर्मिटी वाले टेंट में चले जाते हैं सुसैन के कहने पर ओके okay. तो फॉर्मिटी टेंट में एक औरत बैठी रहती है जो कि क्या करती है सेल्स अ काइंड ऑफ ग्रूल है ना ग्रूल को होते भी चीज जैसे कि दलिया ओट्स है ना वो ग्रूल वो बेच रही होती है जो किससे बना होता है कॉर्न फ्लोर मिल्क रेजिंग करेंट्स एंड अदर इंग्रेडिएंट्स है ना तो इसके अंदर मक्खी का आटा नॉर्मल आटा दूध

उसके साथ साथ वो थोड़ा थोड़ा उसमें क्या डाल देती है रम डाल देती है चुपके से जो लोग उनसे इशारे में रम मांगते तो थोड़ा सा रम उसमें डाल देती है ताकि लोगों को इंटरेस्ट आता है और वो उसको ज्यादा ज्यादा खाते तो हैंचर्ड क्या करता है उसको देख लेता है कि वो धीरे से टेबल के नीचे से रम निकाल के फॉर्मेटी में डाल रही है तो वो थोड़ा सा चालाकी दिखाते हुए उसको जाके कहता है कि मेरे में और डाल दो और धीरे धीरे वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद पीता जाता है The women accommodates him again and again and and soon is drunk. तो वो, एक, एक ले वो, बार बार वो, वो ग्रू लेता है और उसमें रम डलवाता जाता है तो इस तरह से ज्यादा ड्र ज्यादा रम लेने की वजह से वो क्या हो जाता है ड्रंक हो जाता है एकदम नशे में हो जाता है ओके okay. फिर

काश यदि मैं एक आजाद आदमी होता मेरी शादी नहीं हुई होती ही टेल्स द ग्रुप गैदर्ड इन द दमिटी टेंट अब उस फॉर्मिटी टेंट में क्या होता है लंबी लंबी suppose ऐसे टेबल, टेबल्स लगी हुई थी और लोग वहां बैठ के फॉर्मिटी खा रहे थे ठीक है तो इस तरह का कोई रेस्टोर सम रेस्टोरा समझ लो या कोई ढाबा काइंड kind ऑफ of, जहाँ पर लोग बैठ के खा रहे तो वहां पे जो लोग इकट्ठा हुए थे उनसे वो कहता है कि क्या कितना अच्छा होता है यदि मैं एक फ्री आदमी होता मेरी शादी नहीं हुई होती थाउज पाउंड आज मेरी जो वर्थ है वैल्यू है वो और ज्यादा होती है यदि मैं एक फ्री मैन होता है एक शादीशुदा आदमी नहीं होता वेन द साउंड ऑफ एन ऑप्शन सेलिंग वुड बी विलिंग टू सेल हिज वाइफ इफ समेड टू बाई है क्या होता है कि बाहर मेले के अंदर उस मेले में क्या होता है कि सुबह के टाइम में जब ये लोग पहुंचे हैं इवनिंग टाइम में है तो ना जब सूर्य ढलने वाला है तो जो अच्छे जानवर होते हैं जो जो उस मेले में बे, बेचने के लिए लाए हुए होते हैं लोगों द्वारा उन अच्छे जानवरों को जो अच्छे लोग होते हैं वो पहले से यानी जो रिच जानवर होते हैं जिनके पैसे ज्यादा होते, होते हैं एक्सपेंसिव होते हैं अच्छी क्वालिटी के जानवर जो हैं वो पहले ही बिक जाते हैं और इवनिंग तक आते आते जो बेकार क्वालिटी के जानवर बच्चे होते हैं घोड़े बच्चे होते हैं वो बेचने के लिए जो नॉर्मल लोग हैं वो लेने आते हैं तो शाम का जो मेले का जो बैकग्राउंड दिखाया गया वो ऐसा है कि सुबह से भी या दिन से भी ज़्यादा रश होती है वराइटीज ऑफ लोग हैं वाइटीज ऑफ शॉप्स है खाने पीने इन सब की तो यहाँ पे अभी भी क्या हो रहा है ऑक्शन चल रहा है ठीक है लेकिन ऑक्शन किसके लिए जो बेकार की चीजें मतलब ज्यादा क्वालिटी वाइज नहीं है ऐसा होता है ना अच्छी अच्छी चीजें पहले छट जाती है और जो बची हुई है तो उसकी ऑक्शन होती रहती है तो जब वो ये सब मजाक करता रहता है नशे में बातें करता रहता है कुछ भी बोलता रहता है अचानक से उसके कान में बाहर से जो नीलामी हो रही होती है घोड़ों की वो उसकी आवाज उसके कान में आती है और वो उसकी म्यूजिंग म्यूजिंग मतलब वो खा रहा है, बोल रहा है बोल और सोच रहा है उसको आके करती। उसके दिमाग में वो बात आती है जहां बाहर घोड़े की नीलामी हो रही है तो वो क्या करता है एक मजाक करता है और कहता है दैट ही वुड बी विलिंग टू सेल हिज वाइफ कि मैं अपनी वाइफ को बेचना चाहूंगा यदि कोई खरीदना चाहे तो क्यों क्योंकि बाहर घोड़े बिक रहे हैं और तो पहले ही सोचता रहता है इधर उधर की बातें और फिर अचानक से उसके दिमाग में ये बात आती है और वो मजाक करके कहता है कि यदि कोई चाहे तो मैं बेचना चाहूंगा तो सुजैन उससे रिक्वेस्ट करती है कि देखो ये फालतू की बातें मत करो प्लीज स्टॉप हिज टीजिंग मुझे छेड़ना बंद करो और कहती है दैट दिस इज गेटिंग सीरियस देखो ये जो तुम कह रहे हो ये बहुत ज्यादा हो रहा है अब ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है सो so प्लीज ऐसी मजाक मत करो लेकिन वो कहता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ आई एम वेरी सीरियस मैं तो बहुत सीरियस हूँ क्या करता है फिर भी इतना कहने के बाद भी नेवरलेस फिर भी वो पर्सिस करता है यानी कि कैरी ऑन करता है वो मजाक करता जाता है उपटांग बातें करता रहता है अपनी वाइफ के बारे में कि मैं बेच दूंगा वो ऑप्शन करना शुरू कर देता है स टू बार्कआउट प्राइस लाइक एन ऑप्शन जैसे कि नीलामी करवाने के लिए जो ऑफिसर होता है जो प्राइस बढ़ाता रहता है कि इतने में, इतने में, इतने में, वैसे ही वो भी अपनी ऑप्शन लग करने लग जाता है और अपिंग दस्ट कॉस्ट ऑफ हिज वाइफ एंड चाइल्ड वेन नो वन टेक्स हिस्स ऑफर और यदि कोई उसका ऑफर नहीं लेता है तो वो उस प्राइस को और बढ़ाता जाता है बढ़ाता जाता है वेन द प्राइस रीचेज

वैसे तो वो अपसेट हो जाती परेशान हो जाती क्योंकि उसको आ, की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती कि वो उस तरह की मजाक कर रहा है या वो सीरियस भी हो गया है एंड ही इज नॉट थिंकिंग अबाउट मी पर फिर बाद में वो सोचती है कि मैं तुम्हारे साथ जितना भी टाइम रही हूँ मैं परेशान ही रही हूँ तो अब मैं जा रही हूँ तुम्हें छोड़ के और वो रिंग जो है वो उसके तरफ फेंक के चली जाती है यानी उससे शादी तोड़ देती है और चली जाती है सुजैन के साथ सॉरी सुजैन जो है वो जो सेलर आया था उस सेलर का नाम होता है न्यूसन तो वो न्यूसन के साथ चली जाती है विद हर डॉटर एलिजाबेथ और फॉर द नाइट इन द फॉर्मिटी टेंट और वो पी के पूरा वहीं पे ढेर हो जाता है सो जाता है फॉर्मिटी टेंट में तो इस तरह से uh, जो चैप्टर वन है वो इस तरह की इंफॉर्मेशन देता है नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर टू को पढ़ेंगे तो बेसिकली चैप्टर वन जो है वो ओवरऑल यही बताता है कि किस तरह वो पूरी जर्नी को कंप्लीट करके Uh, फमिटी टेंट पहुंचते हैं फमिटी टेंट में किस तरह से वहां पर वो मजाक करता है अपनी वाइफ के साथ और कैसे उसकी नीलामी कर देता है और उसको बेच देता है जब वो होश में नहीं होता ड्रिंक किया हुआ रहता है पूरी ड्रंक सिचुएशन में वो उसको पता नहीं होता कि वो क्या करता है और यही वो गलती है जो जो कथारसिस जनरेट करती है ऑडियंस में और ये उसकी ट्रेजिडी जो है वो यही से स्टार्ट होती है कि यही वो गलती है जिसको वो रिग्रेट करता है पूरी स्टोरी में लास्ट तक जब तक कि वो उसकी डेथ होती है ओके तो यहां से इंपॉर्टेंट है आपको ध्यान में रखना है उसकी जॉब क्या है हीरो ऑफ द स्टोरी वाइफ का नाम उसकी डॉटर का नाम कौन लेने आया था किसने बेचा कितने रुपए में बेचा और किसको बेचा वुमेन कौन थी वो क्या सेल कर रही थी और उस विलेज का नाम ओके okay, और सबसे पहले आते ही किससे मिलता है तो इस तरह की चीजें जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं और यही से क्वेश्चंस बनते हैं तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो सेकंड चैप्टर है उसको पढ़ेंगे आई होप सारी प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होगी इन केस अभी आपको ये समझ में नहीं आता है और आप चाहते हो कि किसी और तरह से मैं आपको पढ़ाऊं तो यू कैन राइट योर सजेशन ऑलवेज वेलकम सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ द नेक्स्ट चैप्टर थैंक यू